हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हो मेरे प्यारों, उम्मीद है सबके सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, अपनी YouTube फैमिली बड़ी हो गई है, पुराने वाले चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे भी उम्मीद करते हैं आप उतनी जल्दी ही सब्सक्राइबर करवा देंगे, क्यों नहीं। बिल्कुल, तो दबा के प्यार दो इस वाले चैनल पे भी, और अपने फेवरेट सिंगर्स को, फेवरेट एक्टर्स को दबा के प्यार दो, और दबा के कमेंट करो कि आपको गाने कैसे लगते हैं, हमारे रिएक्शन कैसे लगते हैं, और आप किसके फैन हैं, ताकि हम उनके ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन कर सकें। जिसके आप फैन होंगे, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, हम उनके सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेंगे। तो गाइस, आज हम जिस गाने का रिएक्शन लेके आए हैं, बड़ा प्यारा सा गाना होने वाला है ये, क्योंकि व्यूज भी अभी आया है, 1-2 घंटे पहले गाना आया, व्यूज 1,00,000 क्रॉस कर चुके हैं। गाने का नाम है नीलकंठ देवा और शिव महा पुराण, और भोले बाबा का भजन है ये, पवन सिंह जी ने गाया है, नीलकंठ देवा। ओके, तो चलिए गाने को सुनेंगे, गाने को एंजॉय करेंगे, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन प्रस्तुति, कितना प्यारा वो म्यूजिक है ना, स्टार्टिंग जो बज रहा है ना, ये तो अलग से म्यूजिक, बांसुरी। हम कथा सुनाते हैं बस हम कथा सुनाते हैं सो महापुराण की, देवों के देव महादेव भगवान की, देवों के देव महादेव भगवान की। ये कथा है अमृत जीवन में वरदान, शंभो वो नीलकंठ देवा पिए विष का प्याला, त्रिपुरा सुर का संघार कर डाला। सुत सौनक जी बोले बड़ी ज्ञान की, सुत सौनक जी बोले बड़ी ज्ञान की, देवों के देव महादेव भगवान की। हम कथा सुनाते हैं शिव महापुराण की, हम कथा सुनाते हैं शिव महापुराण की, देवों के देव महादेव भगवान की। क्या बात है, जो शिव पुराण गाता वो मोक्ष को पाता, शिव महागुरु महाकाल हम सबके हैं दाता। जो शिव पुराण गाता वो मोक्ष को पाता, शिव महागुरु महाकाल हम सबके हैं दाता।
जय शंभु शंकर भोलेनाथ की जय हो। तो गाइज क्या बोलूँ यार, मैं जैसे ही गाना शुरू हुआ ना, और शुरू होते ही है मुझे हारमोनियम लेके बैठे दिखे। मैं पवन सिंह के पहले भी कई गानों में कह चुका हूँ, जिस गाने में इनके हाथ में हारमोनियम होता है वो गाना ब्रो बस क्या ही बोलूँ मैं, वो आउटस्टैंडिंग होता है। रियलिटी है ये, एक अलग ही फील के साथ गाते हैं जिस गाने में इनके हाथों में हारमोनियम होता है। अब ये गाना गारंटेड बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग ब्लॉकबस्टर जाने वाला है यार। गाना कितना प्यारा था ना यार, जो स्टार्टिंग का म्यूजिक था ना, जो बांसुरी और बांसुरी का म्यूजिक का मैशअप हुआ है, डेढ़ जो माइंड ब्लोइंग यार। यार मेरा ना सच्ची दिल से बताऊं, ऐसा मन कर रहा था कि मैं आंख बंद के करके एंजॉय करें, है ना। मैं एक बार करने लग गया था, मेरे को ध्यान आया रिएक्शन देना है, आंखें खोलनी पड़ेंगी ना। कसम से यार, मतलब मैं यार इस लायक ही नहीं हूं कि मैं शिवजी भगवान को ऐसे देखूं और सुनूं। मेरा तो मन करता है कि आंख बंद करके बंद करके, इतने हमारे में हिम्मत नहीं है हम उनके साथ आई कॉन्टेक्ट भी नहीं। यार सच में बहुत ही नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आई है गाना सुन के। यह गाना जो भी सुनेगा, रियलिटी बता रहा हूँ, वो बहुत मतलब अच्छा फील करवाने वाला गाना है। ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स देने वाला गाना है और बहुत बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, भक्ति भाव जगाने वाला गाना है। तभी तो इनको बोलते हैं देवों के देव, महादेव सच में। और भैया पवन सिंह जी ने गजब कर दिया है, इतने अच्छा म्यूजिक और इतनी अच्छी आवाज, मतलब ये सोने पे सुहागा हो गया है। बहुत सुपर्ब गाना था यार ये, मजा आ गया। शिव पुराण का गुणगान किया, मैंने शिव पुराण पढ़ी हुई है, दो बार पढ़ी है। आप लोगों में से जिसने पढ़ी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और जिसने नहीं पढ़ी वो पढ़े, पढ़े बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। और गाइस गाना हमें बहुत अच्छा लगा, नेहा को भी बहुत पसंद आया, मुझे तो कुछ ज्यादा ही पसंद आया। आप लोगों को ये गाना कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने फेवरेट सिंगर का नाम कमेंट में लिखा था कि हम उनके गानों का ज्यादा ज्यादा रिएक्शन कर सकें। चलिए इसी याद में इस वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।